तो आज शुरू करते हैं अपन एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव्स, है ना। इसके पहले अपन ने एडवांटेजेस देखी थी पिछले लेक्चर में, अब इस लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव्स। अब एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव जो है वो पूरी की पूरी जो है इसी पे आधारित है जो अपन ने एडवांटेजेस देखी थी। तो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द माइक्रोवेव्स दे अराइज फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड द एडवांटेजेस फीचर्स ऑफ द माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी। जो अपन ने देखे थे पढ़े थे वो चीजें हम यहां पर देख रहे हैं। ओके, सो देयर आर एप्लीकेशन में क्या क्या है, इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, मेडिकल एंड डोमेस्टिक एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव्स, ये अपने को देखनी है। अब ये क्यों पॉसिबल है, दैट इज बिकॉज अरे ऑफ इसमें कुछ वेरियस दिखाई नहीं रहा। मॉलिक्यूलर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर रेजोनेंसेस दैट ऑकर एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज है। तो यहां पर चलिए अपन जो है आपके लिए, ऑल राइट, तो अब अपन एप्लीकेशंस देखें। तो मैंने जैसे आपको बताया किसके ऊपर आधारित है, ये प्रॉपर्टीज और एडवांटेज जो अपन ने देखी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की उनके ऊपर ही आधारित है। तो आपकी क्लास हो गई एमएससी फाइनल माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑलराइट। तो आज हम देख रहे हैं एप्लीकेशंस। और ये किसके ऊपर आधारित है एप्लीकेशंस, माइक्रोवेव्स की प्रॉपर्टीज एंड द एडवांटेजेस जो अपन ने स्टडी की है पहले, ठीक है ना, इसके ऊपर ये आधारित है। और डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं कहाँ कहाँ पर हैं, इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, मेडिकल एंड डोमेस्टिक एप्लीकेशंस। इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, मेडिकल, डोमेस्टिक, तो ये सारी एप्लीकेशंस जो है अपने को देखनी है। अब ये पॉसिबल कैसे हैं कि हेलो इसमें क्या होता है कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पर मॉलिकुलर, एटॉमिक और हेलो न्यूक्लियर रेजोनेंस होता है। मॉलिकुलर, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर रेजोनेंस, जिस भी वस्तु से इसको अपन पास करते हैं उसमें ये रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस के कारण ये सारी एप्लीकेशन जो हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो इनके यूजेस अपन देखेंगे, बेसिक साइंस में अपन इसका यूज करते हैं, रिमोट सेंसिंग में यूज करते हैं, मेडिकल डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट में करते हैं, हीटिंग में करते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो अब अपन पहले देखिए, मैं एक पूरा टेबल के रूप में इसको आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम इनका यूज करते हैं। ओके, हाँ, उसके पहले ये रेफरेंस बुक्स, आपको दिखाते हैं। सर, मेरे ख्याल से किसने, प्रिया ने पूछा था रेफरेंस बुक्स के लिए। ये तीन रेफरेंस बुक्स हैं जो कि आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा भी प्रिस्क्राइब की हुई हैं, यूनिवर्सिटी सिलेबस में भी आप देख सकते हैं। और चौथी जो है वो मेरा ऐप है, जिसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, और उसकी क्या खासियत है, क्या फायदे हैं आपको उससे, वो आपको उसमें बताऊंगा। तो वो अलग से बनाकर वो आपको मैं बताऊंगा उसमें, ठीक है। तो ये ऐप है VSS एजुकेशन, जिसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज योर माइक्रोवेव एप्लीकेशंस।
ऑल राइट right? ओके तो आई होप आपको दिख रहे हैं माइक्रोवेव एप्लीकेशंस। अब इसमें आप देखिए ये टेबल के रूप में दिखाया हुआ है, कम्युनिकेशंस में टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, फिर रडार में यूज है, रडार का यूज है किस किस में, सिविलियन और मिलिट्री एप्लीकेशंस में। तो वो यहां पे दिखाया हुआ है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयरक्राफ्ट नेविगेशन, स्पेस व्हीकल्स, लॉ एनफोर्समेंट, शिप सेफ्टी, रिमोट सेंसिंग, देन नेविगेशन, मिलिट्री एप्लीकेशन में नेविगेशन, सर्वेलेंस, गाइडेंस ऑफ वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, इंडस्ट्रियल और बायोमेडिकल एप्लीकेशन में प्रोसेस कंट्रोल, ड्राइंग, क्योरिंग, वेस्ट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स, मॉनिटरिंग, इमेजिंग, माइनिंग एंड देन हीटिंग में इंडस्ट्रियल और हाउस होल्ड। इनको अपन डिटेल में थोड़ा थोड़ा देखेंगे एप्लीकेशंस को, क्योंकि ये इसके ऊपर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑल राइट तो अपन चलते हैं अब इसके डिटेल में। तो पहले चलते हैं अपन कम्युनिकेशन के ऊपर। सो फर्स्ट इज योर कम्युनिकेशन। ऑल राइट तो माइक्रोवेव इज यूज्ड इन ब्रॉडकास्टिंग एंड टेली कम्युनिकेशन ट्रांसमिशंस। पहला अपन ले रहे हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकम्युनिकेशन। ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है ना? और ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इनकी वेवलेंथ जो है वो क्या है, बहुत कम है, और इसके कारण हम स्मॉल एंटेनास का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर ये जो है ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकम्युनिकेशन में इसका यूज होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ्स। एंड स्मॉल एंटेनास। ठीक है, देन दूसरा जो आप जिसके थ्रू रोज यूज कर रहे हैं आपका मोबाइल, सो दैट इज कॉल्ड सेलुलर नेटवर्क लाइक GSM। तो ये भी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को यूज करता है, सो दैट इज योर सेलुलर नेटवर्क। ऑल राइट एंड द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर माइक्रोवेव इन दिस कम्युनिकेशन इज 1.8 टू 1.9 GHz। ऑल राइट देन थर्ड यूज कम्युनिकेशन का सैटेलाइट में, सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स में क्या होता है कि यहां से अपन सिग्नल भेजते हैं जो कि सैटेलाइट तक पहुंचता है, और फिर वहां से वो सिग्नल जो है वो वापस हम रिसीव करते हैं अर्थ पर। ठीक है, देन वी कम टू केबल टीवी। केबल टीवी आप जानते हैं पहले बहुत प्रचलित था, आजकल तो सीधा ऊपर से आपको सैटेलाइट से मिल जाता है। तो केबल टीवी एंड इंटरनेट एक्सेस ऑन दी कोएक्सियल केबल, केबल टीवी एंड इंटरनेट एक्सेस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव कम्युनिकेशन।
देन मिलिट्री और आर्मी जो है वो भी माइक्रोवेव का यूज करती है कम्युनिकेशन सिस्टम में, और वो कौन सा बैंड यूज करते हैं, दे यूज एक्स और KU बैंड। तो मिलिट्री तो दे यूज एक्स और KU बैंड, दैट इज देयर। देन माइक्रोवेव रेडियो दैट इज यूज इन ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन ट्रांसमिशन। सेवंथ इज योर माइक्रोवेव रेडियो, माइक्रोवेव रेडियो। और वो क्यों पॉसिबल है, क्यों, वही सेम चीज, शॉर्टर वेवलेंथ एंड देयर फोर डायरेक्टिविटी इनकी ज्यादा है जो मैंने आपको बताया था, और एंटेना जो है वो स्मॉल हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसी जगह से भी ये सिग्नल को ट्रांसमिट किया जा सकता है जो बहुत ही रिमोट एरियाज हैं, पहाड़ हैं वहां हैं, तो वहां बड़ी दिक्कत होती है। तो वहां पर एक छोटा सा एक वैन ले जाके और उसके ऊपर एंटेना लगाकर और इसके द्वारा सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। देन वी कम टू अनदर एप्लीकेशन दैट इज रिमोट सेंसिंग। ये तो अपन ने देख लिया कम्युनिकेशन के बारे में, राइट। नाउ लेट अस गो फॉर रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग, तो मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव इज इट्स यूज इन रडार। और रडार का फुल फॉर्म मैंने आप लोगों से पूछा था पिछले लेक्चर में, फिर मैंने बताया भी था, है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग में हम इसका यूज करते हैं, रडार का यूज करते हैं। तो रडार से क्या किया जाता है, रडार से मान लीजिए यहां धरती है, धरती के ऊपर एक कोई ट्रांसमीटर है आपका, ट्रांसमीटर पे ये एंटेना लगा हुआ है, इससे जो वेव्स हैं वो भेजी जाती हैं। यहां पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो ये वेव इससे टकराकर और वापस आती हैं, यहां से जा रही हैं और इस तरह से वापस आ रही हैं। तो इसके कारण एक तो ये कोई एक सिंगल वेव नहीं है, पूरा वेव अपन भेजते हैं इससे एंटेना से, तो ये जब इससे टकराती है यहां पर और टकरा के वापस आती है, तो एक तो इसके डिस्टेंस के बारे में पता लग जाता है और एक इसके साइज के बारे में पता लग जाता है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट का साइज और डिस्टेंस दोनों ही पता कर सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में, क्योंकि इसकी मिलिट्री यूटिलिटी थी दुश्मन का प्लेन पता करने के लिए। फिर रडार और भी जगह अब यूज होता है आजकल, दैट इज इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सो अनदर यूज फॉर रडार दैट इज एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है ना, तो दैट इज द यूज ऑफ रडार इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल एंड नेविगेशन ऑफ शिप्स। सेकंड इज नेविगेशन, नेविगेशन ऑफ शिप्स, दिस इज अनदर यूज। एंड स्पीड लिमिट एनफोर्समेंट, स्पीड लिमिट एनफोर्समेंट, इसके ऊपर एक वीडियो भी दिखाऊंगा मैं आपको, 3 मिनट का वीडियो है करीब, वो 3-4 मिनट का, तो वो वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसमें किस तरह से इसका यूज जो होता है माइक्रोवेव्स का वो आप देख पाएंगे। स्पीड लिमिट एनफोर्समेंट का मतलब ये है कि गाड़ी कोई तेज चल रही है तो उसका पता लगा के उसको तुरंत जो है वो पुलिस जो है वो उसको कंट्रोल करती है, ठीक है ना, उसको मॉनिटर कर सकते हैं। देन अनदर इज
गन डायोड ऑसिलेटर ये पढ़ेंगे अपन। गन डायोड ऑसिलेटर ये यूज करते हैं माइक्रोवेव्स का, गन डायोड ऑसिलेटर एंड वेवगाइड्स ये भी आप पढ़ेंगे अगले कुछ दिनों में। तो गन डायोड ऑसिलेटर और वेवगाइड्स दे आर यूज्ड एज ए मोशन डिटेक्टर फॉर ऑटोमेटिक डोर ओपनर्स। ऑटोमेटिक जगह जहां सामने खड़े हो गए, मॉल में जाते हैं सामने खड़े हो गए अपने आप डोर खुल जाते हैं, तो वहां पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं और उसमें आजकल जरूर अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस का भी इस्तेमाल शुरू हो गया है। देन रेडियोमेट्री और स्पेक्ट्रोमेट्री इसमें यूज होता है इनका। रेडियोमेट्री एंड स्पेक्ट्रोमेट्री, रेडियोमेट्री एंड स्पेक्ट्रोमेट्री। देन रेडियो एस्ट्रोनॉमी, रेडियो एस्ट्रोनॉमी। देन सर्वेलेंस, सर्वेलेंस। देन नेविगेशन, नेविगेशन मतलब जब भी आप निकलते हैं बाहर जाते हैं कहीं किसी जगह जाना हो आपको तो आप जीपीएस का इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड योर नेविगेशन। देन गाइडेंस ऑफ वेपन्स, अब आजकल जितना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो रहा है तो उसमें जो वेपन्स हैं वो इसके ऊपर आधारित हैं, तो इनका इस्तेमाल गाइडेंस ऑफ वेपन्स। ऑल राइट, एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरह से ये कुछ यूज है रिमोट सेंसिंग के। अब अपन चलते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के ऊपर। सो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस पहला है इसमें प्रोसेसिंग कंट्रोल, जो कि फूड इंडस्ट्री में यूज होता है। फर्स्ट इज प्रोसेसिंग कंट्रोल, जो फूड प्रोसेसिंग होती है, फूड को रखा जाता है जैसे आगे भी वो काम आ सके, सो दैट इज प्रोसेसिंग कंट्रोल एंड दिस इज इन फूड इंडस्ट्री। ओके, देन ड्राइंग मशीन्स, ड्राई सुखाना है? कहां इसका इस्तेमाल होता है ड्राइंग मशीन्स का? फूड है, पेपर क्लोथ्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, दैट इज इन फूड, पेपर क्लोथ्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ऑल राइट, देन वेस्ट ट्रीटमेंट, वेस्ट जो चीजें जो वेस्ट निकलता है, जो वेस्ट मटेरियल, ठीक है ना, उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो वेस्ट ट्रीटमेंट, गंदगी, वेस्ट, जो भी यूजलेस चीज है, दैट इज योर वेस्ट, उसके ट्रीटमेंट में इसका उपयोग होता है।
देन चौथा जो यूज है इसका, दैट इज इन रबर, प्लास्टिक्स, केमिकल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज. रबर, प्लास्टिक, केमिकल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज. ओके, तो दीज आर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. अब इसके बाद हम अगले एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं, दैट इज इन द फील्ड ऑफ पावर. सो इन द फील्ड ऑफ पावर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपके सामने घर में आपके माइक्रोवेव ओवन. माइक्रोवेव ओवन आप यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, और जिस फ्रीक्वेंसी पे अपन इसको यूज करते हैं दैट इज 2.45 गीगाहर्ट्ज. दिस इज फिक्स, दिस इज द फ्रीक्वेंसी एट विच माइक्रोवेव ओवन ऑपरेट्स. तो इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, जो भी फूड अपन माइक्रोवेव ओवन के अंदर रखते हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो है वो दिखाऊंगा मैं आपको, तो जो भी फूड अपन रखते हैं वो उसमें क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है. ठीक है ना, बहुत अच्छे से गर्म होता है. क्यों अच्छे से गर्म हो जाता है, क्योंकि एक तो ये चीज ध्यान रखें कि जो माइक्रोवेव्स हैं दे आर नॉन आयोनाइजिंग. माइक्रोवेव्स दे आर नॉन आयोनाइजिंग. नॉन आयोनाइजिंग का क्या मतलब, कि वो जिस भी सब्सटेंस से गुजरती हैं उसको आयोनाइज नहीं करती, वो इस रेंज में है जिसमें कि वो सब्सटेंस को आयोनाइज नहीं करती है. जैसे जो दूसरी रेज है जैसे एक्स रेज है ना, वो सब्सटेंस को जो है वो आयोनाइज कर देती हैं, मतलब जो हायर उस साइड में जो अपन जाते हैं. ठीक है, तो वो आयोनाइज करती है, आयोनाइज नहीं करती है, तो फिर करती क्या है ये. जब माइक्रोवेव पास होती है किसी भी फूड से वो पास होती हैं, है तो क्या होता है कि कोई भी फूड है उसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है ना, तो जैसे वाटर है, फैट्स हैं, शुगर हैं, वो फूड के अंदर होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं जो माइक्रोवेव एनर्जी है, और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा, इनकी वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगी मॉलिक्यूल्स की, तो ये वाइब्रेट करने लग जाते हैं. वाइब्रेट करने के कारण क्या होता है, इनके आपस में टकराहट होती है, और टकराहट के कारण गर्मी पैदा होती है, और उस गर्मी से जो है वो आपका फूड जो है वो पकता है, गर्म होता है वो पकता है. ठीक है, तो इसीलिए यहां पर जो मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशन बढ़ गया या इलेक्ट्रॉन्स का जो वाइब्रेशन बढ़ गया फूड पार्टिकल्स के अंदर, उसके कारण जो हीटिंग हुई वो यूनिफॉर्म हो जाती है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स जितने वो सभी वाइब्रेट करने लग जाते हैं, माइक्रोवेव एनर्जी मिलती है, तो वो क्या होते हैं कि वो एक यूनिफॉर्म हीटिंग अपने को माइक्रोवेव ओवन में जब हम पदार्थ को रखते हैं वो मिलती है, और बहुत जल्दी होती है वो, है ना, बहुत कम टाइम लगता है. देन माइक्रोवेव हीटिंग जो है इसका दूसरा यूज जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, जो अभी अपन ने देखा था, ड्राइंग के लिए, सुखाने के लिए. ठीक है ना, फिर बहुत से सेमीकंडक्टर टेक्निक्स हैं वो यूज करती है माइक्रोवेव्स को, किस लिए यूज करती है, टू जनरेट प्लाज्मा, टू जनरेट प्लाज्मा. इसके लिए वो इसका यूज करते हैं. देन माइक्रोवेव दे आल्सो कैन बी यूज टू ट्रांसमिट पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. ठीक है, तो इसके लिए कोशिश की जा रही है नासा के द्वारा, पॉसिबिलिटी देखी जा रही है कि जो सोलर पावर सैटेलाइट सिस्टम्स हैं उनसे कैसे वहां से सोलर जो एनर्जी है उसको कैप्चर करके अर्थ पर भेजा जा सके. ठीक है, तो इसके ऊपर काम चल रहा है. देन मिलिट्री यूज भी इसका है, क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट होता है इसका. तो यहां पर क्या है कि यदि माइक्रोवेव किसी इंसान के ऊपर डाल दें करीब 95 गीगाहर्ट्ज़ की,
95 गीगाहर्ट्ज़ इस फ्रीक्वेंसी में एनर्जी बहुत अधिक होगी, तो इस फ्रीक्वेंसी की माइक्रोवेव यदि किसी इंसान के ऊपर डाली जाए तो उसका टेम्परेचर जो है 1.4 मिलीमीटर की जो थिकनेस की जो स्किन है वहां तक उसका टेम्परेचर 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। कितनी थिकनेस में? 0.4 मिलीमीटर स्किन थिकनेस इसमें। तो जब ये इस स्किन को गर्म कर देगी तो इंसान जो है वहां खड़ा नहीं रह पाएगा और उसको वहां से भागना पड़ेगा। तो इस तरह का ये वेपन जिसमें कि आदमी की मौत भी नहीं हो रही है परंतु आदमी लड़ भी नहीं पा रहा है और उसको वहां से हटना पड़ रहा है, वो भी इसके द्वारा जो यूएसए एयरफोर्स है और मैरिन्स वो इस टाइप से इस वेपन का भी इस्तेमाल कर रही है। देन वी कम टू मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस मेडिकल साइंस में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। डायग्नोसिस के लिए इसका इस्तेमाल होता है, डिफरेंट थेरेपीज हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है, माइक्रोवेव इमेजिंग है, माइक्रोवेव इमेजिंग। इमेजिंग का मतलब पूरे बॉडी का जिस पार्ट का भी इमेज लेना हो, तो आजकल वो प्रोसेस हो गया कि उससे इमेजिंग करके और वो डॉक्टर देखता है कि वहां पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और फोटो अकॉस्टिक इमेजिंग दैट इज यूज्ड इन बायोमेडिसिन। देन थर्मोथेरेपी और कैंसर सेल ट्रीटमेंट। थर्मो थर्मो मीन्स हीट, थर्मोथेरेपी ये किसके लिए? कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए इसके लिए यूज होता है। इसका भी एक वीडियो मैंने आपके लिए निकाल रखा है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से लीवर के अंदर ये माइक्रोवेव डालकर और किस तरह से कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है। मुश्किल से 1-2 मिनट का वीडियो वो भी है। देन बायोमेडिकल एप्लीकेशंस जिसमें मॉनिटरिंग ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट मॉनिटरिंग, ठीक है। देन लंग वाटर डिटेक्शन, लंग्स में पानी भर जाता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए लंग वाटर डिटेक्शन। आजकल बहुत ही सुनाई पड़ता है लंग्स में पानी भर गया, तो लंग वाटर डिटेक्शन एंड इमेजिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। देन वी कम टू नेविगेशन। तो नेविगेशन मैंने आपको बता दिया, तो उसके लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाया गया, एक GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, और एक है अमेरिकन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS। GPS दिस इज अमेरिकन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, इनका यूज किया जाता है और इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है दैट इज फ्रॉम 1.2 to 1.6 गीगाहर्ट्ज़। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव्स। अब मैं सोच रहा हूं आपको एक वीडियो इसका दिखा देता हूं, बाकी 1-2 टॉपिक और बचे हैं उनको अपन अगले लेक्चर में ले लेंगे क्योंकि अभी अपन उसको पूरा भी नहीं कर सकते। तो लेट अस सी दी वीडियो माइक्रोवेव एप्लीकेशन का। Microwaves can pop your popcorn. They can catch you speeding. They carry thousands of phone channels to speed your calls. But can microwaves help us learn about our world and our universe? Let's find out. With wavelengths ranging from 30 centimeters down to 1 millimeter, microwaves fall between radio waves and infrared. Microwaves are used in Doppler radar
which is widely used for short-term localized weather forecasting, and what you see on TV weather news. Satellites have revolutionized weather forecasting by providing a global view of weather patterns and surface temperatures. This unique perspective has greatly increased the accuracy of tropical storm and climate forecasts. Different wavelengths of microwaves, grouped into bands, provide different information to scientists. Medium-length, C-band microwaves penetrate through clouds, dust, smoke, snow, and rain to reveal the Earth's surface. Satellite microwave measurements reveal the full Arctic sea ice cover every day, even where clouds exist. These measurements show great variability from year to year, but also an overall decrease in Arctic sea ice since the late 1970s, illustrated here with maps and a time series of Arctic sea ice in September at the end of the summer melt. The Japanese Earth Resources satellite uses longer wavelength L-band microwaves for forest mapping by measuring surface soil moisture, such as this image of the Amazon basin, to identify areas of recent deforestation. L-band microwaves are also used by global positioning systems, such as the one in your car. Scientists routinely combine microwave information with information from other parts of the EM spectrum to study the composition of cosmic dust or of a supernova, such as this supernova image that combines X-ray, radio, and microwave data. This recently known supernova in the Milky Way exploded just over 140 years ago at the time of the American Civil War. One important phenomenon is unique to microwaves. In 1965, using long L-band microwaves, Arno Penzias and Robert Wilson made an incredible accidental discovery. They detected what they thought was noise from their instrument, but was actually a constant background signal coming from everywhere in space. This radiation is called cosmic microwave background, and if our eyes could see microwaves, the entire sky would glow with a nearly uniform brightness in every direction. The existence of this background radiation has served as important evidence supporting the Big Bang theory for how our universe began. Microwaves have become both staples and wonders of modern life. They are also the backbone of communications and of Earth sensing systems, and they are an excellent guide to the ancient history and origins of our universe.